वीर गाथा में आज बात महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख की। दुर्गाबाई देशमुख एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की बल्कि कानून की पढ़ाई कर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। मात्र 8 साल की उम्र में इनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई थी, लेकिन दुर्गाबाई ने खुद को बाल विवाह से आजाद कर अपने आने वाले जीवन की नींव रखी थी। अपने संकल्प पर अडिग दुर्गाबाई ने मद्रास में नमक सत्याग्रह की बागडोर संभाली। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब उन्हें मद्रास वकील संघ में नियुक्ति मिली। उन्होंने विधवा, असहाय और अनाथ महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्हें हाई स्कूल पास करने में मदद की। दुर्गाबाई ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आज भी स्वास्थ्य, विकलांगता, पुनर्वास, कानूनी सहायता और वृद्ध महिलाओं की मदद करती है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में उन्हें योजना आयोग में शामिल किया गया। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा दुर्गाबाई ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। 9 मई सन 1981 को उनके निधन के बाद साल 1984 में संसद ने आखिरकार पारिवारिक न्यायालय स्थापित करके फैमिली कोर्ट एक्ट पास कर दिया, जिनकी उन्होंने मांग की थी। दुर्गाबाई देशमुख तो चली गई, लेकिन एक समान समाज की दिशा में उन्होंने जो भी कार्य किए वे देश की हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आने वाले वक्त में भी भारत की इस बेटी का नाम सम्मान और गर्व से याद किया जाता रहेगा। हमारी ऐसी स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को हमारा शत शत नमन।